हेलो दोस्तों, दिस इज संगीता फ्रॉम होम मेकर्स रेजिम। आज हम एक बहुत ही स्वादिष्ट कुल्फी का रेसिपी शेयर करने वाले हैं, जो है एवोकाडो का। एवोकाडो एक बहुत ही अच्छा फ्रूट है, जिसमें काफ़ी मात्रा में विटामिन एंड मिनरल पाया जाता है, और इसका टेस्ट बहुत माइल्ड होता है। जिसके साथ हमें एक और फ्रूट को ऐड करना है, जो हम कोकोनट यूज करेंगे, नारियल। सो नारियल और एवोकाडो को मिक्स करके हम एक बहुत ही स्वादिष्ट कुल्फी बनाएंगे। आप ये रेसिपी ज़रूर बनाइए और बताइए कमेंट करके कि आपको कैसा लगा, एंड आई एम श्योर आप सब इसे बार बार बनाएंगे। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। एक लीटर दूध मैंने गर्म करने के लिए रखा है। थोड़ा दूध उसका अलग से निकाल कर उसमें मैंने एक कप मिल्क पाउडर मिक्स कर लिया। मिल्क पाउडर पूरी तरह से डिसॉल्व होने तक मिक्स करना है, उसके बाद इसे दूध में मिक्स करना है। ठंडे दूध में मिक्स करना है और अब गैस लगा के दूध को बॉईल करने के लिए रखना है। जब तक दूध गर्म हो रहा है, हम एक साइड में कोकोनट ग्राइंड कर लेंगे। एक कप कोकोनट लिया है मैंने, मिक्सी में उसे ग्राइंड करना है। एकदम फाइन पेस्ट कर लीजिए, जितना फाइन हो सके, और वो ड्राई हो जाता है इसलिए उसमें थोड़ा थोड़ा करके दूध ले लीजिए मिक्स करके। कोकोनट को फाइन पेस्ट कर लिया है। दूध भी ऑलमोस्ट रिड्यूस हो चुका है। अब हम एवोकाडो को भी पीस लेंगे, उसका भी पेस्ट बनाना है। एवोकाडो जब आप लाते हो तो देखना है कि उसका छिलका ब्लैक हो, तभी वो पका हुआ फ्रूट होता है। एक एवोकाडो मैंने लिया है जिसका मैंने पेस्ट बना लिया है, उसमें भी थोड़ा सा दूध डाल दिया है, एक या दो टीस्पून। जब दूध रिड्यूस हो रहा होता है तो साइड में उसका मलाई जम जाता है, जिसे भी हमें निकाल कर दूध में ऐड करते रहना चाहिए, इससे दूध ठीक होता रहता है और दानेदार भी। दूध रिड्यूस हो चुका है, अब हम 200 ग्राम मिल्क में डाल देंगे। मिल्क में डाला है इसलिए मैंने शुगर बिल्कुल यूज नहीं किया है, इसकी ज़रूरत ही नहीं है। अब जो नारियल पीस के रखा था वो हम इसमें मिक्स कर देंगे, और ये सबको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। और गैस चालू है, दूध भी उबल रहा है, गैस को बंद करना नहीं है। दूध को 2-3 मिनट और भी बॉईल होने दीजिए, ताकि वो सारे इंग्रेडिएंट एक साथ मिक्स हो जाए अच्छी तरह से, और थोड़ा थिक भी हो जाए। अब हम गैस बंद कर लेंगे पहले, और फिर एवोकाडो का पेस्ट हमें इसमें मिक्स करना है। तो इससे पहले मैंने इसमें एसेंस डाला है, जो ऑप्शनल है, आपको चाहिए तो आप डालिए। मैंने फ्रूट एसेंस 1 टीस्पून यूज़ किया है, और ये एवोकाडो का पेस्ट इसमें डाल के इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। गैस को बंद रखना है, उबलते हुए दूध में नहीं डालना है। और एवोकाडो का पेस्ट को पूरी तरह से दूध में मिक्स हो जाए तब तक इसे मिक्स करके लेना है। आप इस स्पैटुला से मिक्स कीजिए, या स्पून से मिक्स कीजिए, लेकिन इलेक्ट्रिक हैंड मिक्सर वगैरह कुछ यूज़ नहीं करना है।
मैं एक डार्क लेयर में कुल्फ़ी को सेट कर रही हूँ, इसलिए थोड़ा सा कुल्फ़ी का ये बैटर मैंने अलग से निकाल लिया है और उसमें थोड़ा सा ग्रीन कलर मिक्स कर लिया है। वैसे तो इसमें कलर मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है, उसका नेचुरल कलर ही बहुत खूबसूरत आता है। ये भी ऑप्शनल है, अगर आप चाहिए तो कीजिए, अदरवाइज है वैसे ही उसे सेट कर दीजिए। मैंने इसे ब्रेड पैन में सेट किया है, पहले इसमें बटर पेपर लगा लिया है ताकि वो निकालने में आसानी हो जाए। आप इसे कुल्फी मोल्ड में भी डाल के रख सकते हैं। इसे थोड़ा रूम टेम्परेचर में ठंडा होने देंगे, उसके बाद ऊपर एक जो डार्क लेयर है वो उस पर मैं डाल दूंगी। कुल्फी थोड़ा ठंडा हो चुका है, अब वो थोड़ा सेट होगा तो वो पूरी तरह से मिक्स नहीं होगा। सेट करेंगे और फिर ऊपर दूसरा लेयर डालेंगे। तो दूसरा डार्क लेयर जो है मैंने उसको एक एवोकाडो फ्रूट का ही कलर दिया है, ऊपर ग्रीन लेयर मैंने डाल दिया और इसे हम फ्रिज में रख देंगे 8 घंटे के लिए सेट होने के लिए। 6 से 8 घंटा लगता है इसे सेट होने के लिए, फ्रीज़र में रखना है। और ये गया हमारा कुल्फी फ्रीजर में, अपसेट होने के बाद मिलेंगे।